मोगेम्बो खुश हुआ यह जानकर कि सलंबर में शांता देवी 1285 मतों से जीती है और जो हारा है वो कोई और नहीं राष्ट्र विरोधी ताकतें का एक पूरा पारितंत्र पराजित हुआ है। अधिकतर इतिहास के अगर पन्नों में जाते हैं उपचुनाव अधिकतर जो सत्ता में रहती है वो पार्टियां जीतती है, लेकिन पहली बार हमारे 84 के अंदर शानदार लीड रही है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे कार्यकर्ता के और हमारा कमल का फूल है, हमारा सभी सलंबर जनता की बहुत बहुत धन्यवाद। सीट के अंदर देखा जाए हम एक तरफा जीत रहे थे, लेकिन लास्ट 3-4 जो राउंड है उन राउंडों को मैं भी देख रहा था बैठ के, निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन पे 4 राउंड को रेगुलर नहीं डाला जो प्रोसेस में था, हमें डाउट है वहां पर कुछ न कुछ गड़बड़ किया गया है, सत्ता का दुरुपयोग किया गया है, वहां पर 200 वोटों का अंतर बता रहे हैं। 84 विधानसभा में विजयी और सलंबर में हार कर भी जीत गई बीएपी। मेवाड़ और वागड़ में 84 व सलंबर विधानसभा के उपचुनाव के परिणाम बड़े ही दिलचस्प और चौंकाने वाले रहे। दोनों ही चुनाव में कहीं न कहीं भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी का ओहदा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। 84 में बीएपी के अनिल कटारा 24,370 वोट से जीत गए, जबकि चुनावी परिणाम के मायने देखे जाए तो सलंबर में बीएपी हार कर भी जीत गई हैं। हालांकि रियल परिणाम देखे जाए तो भाजपा की शांता मीणा 1285 वोट से सलंबर में उपचुनाव जीती हैं, जबकि बीएपी के प्रत्याशी जितेश कटारा हार गए हैं, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी रेशमा मीणा की जमानत ही जब्त हो गई है। वहीं 84 विधानसभा में भी देखा जाए तो कांग्रेस प्रत्याशी जमानत नहीं बचा पाए। 84 सीट पर बीएपी के राजकुमार रोत 2 बार विधायक रह चुके हैं और जो कि अभी सांसद चुने गए और इसी वजह से यह सीट खाली हुई थी, जहां पर अब फिर से बीएपी के अनिल कटारा विधायक चुन लिए गए हैं। अनिल कटारा ने मीडिया से रूबरू होकर कहा कि वे जीत को लेकर पूरी तरह पहले से आश्वस्त थे, लोगों ने उन पर जो भरोसा जताया है वे उसे पूरा करेंगे, लोगों से उन्होंने जो वादे किए हैं रोजगार शिक्षा को लेकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरा तंत्र यहाँ लगा दिया था। अधिकतर इतिहास के अगर पन्नों में जाते हैं उपचुनाव अधिकतर जो सत्ता में रहती है वो पार्टियां जीतती है, लेकिन पहली बार हमारे 84 के अंदर शानदार लीड रही है। सरकार का सारा फोकस 84 पे था, सीएम साहब की कई दौरे हुए थे, सारे मंत्री लगा रखे थे, हमारे टीएडी मंत्री यहाँ के निवासी के रूप में गांव गांव घूम रहे थे, इसके बावजूद भी 84 की जनता ने शानदार बैंडेड दिया है बीएपी को, उसके लिए मैं 84 की जनता को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा। ये लोकतंत्र की जीत है, ये साबित कर दिया है 84 की जनता ने कि जनबल दारूबल बाहुबल नहीं चलेगा, सत्ता की लाठी तानाशाही नहीं चलेगी, ये लोकतंत्र है, लोगों की भावना के अनुरूप ही कैंडिडेट चुना जाएगा, ये भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने तय किया गया। तो 84 की बात करें जनाधार की तो बात ही नहीं आती है, जनाधार आज भी हमारे साथ है। भाजपा का जो था, भाजपा ने सारा सिस्टम लगाया, सरकारी सारी मशीनरी का उपयोग किया गया, पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें कि कई पुलिस अधिकारी और कई ऐसे पुलिसकर्मी जिन्होंने सिर्फ भाजपा का पट्टा नहीं डाला था, इसे भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम किया गया। हमारे पास कई सबूत है, उनको लेके चुनाव आयोग में शिकायत भी की, आगे भी लड़ेंगे। आज देखा जाए उन्होंने फर्जी अनिल तैयार किया, वो भी ले गया काफी वोट, कई निर्दलीय तैयार किए उन लोगों ने, वो भी काफी वोट ले गए, वो हमारा ही वोट था। तो इस हिसाब से देखा जाए हमारा कोई जनाधार कम नहीं हुआ है, एक शानदार जीत मिली है 84 के अंदर। सीट के अंदर देखा जाए हम एक तरफा जीत रहे थे, लेकिन लास्ट 3-4 जो राउंड है उन राउंडों को मैं भी देख रहा था बैठ के, निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन पे 4 राउंड को रेगुलर नहीं डाला जो प्रोसेस में था, हमें डाउट है वहां पर कुछ न कुछ गड़बड़ किया गया है, सत्ता का दुरुपयोग किया गया है, वहां पर 200 वोटों का अंतर बता रहे हैं, लेकिन हमें डाउट है, हमने रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई कर दिया है और उसको लेके चुनाव आयोग हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा, जाएंगे, लेकिन कुछ न कुछ वहां पर गड़बड़ हुआ है हमारी नजर में, और जो जनता ने जनाधार दिया है दोनों सीटों पे एक तरफा जीत दर्ज हो रही है हमारी। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति अब जाएंगे तय करेंगे, पूरे प्रदेश के अंदर आने वाले समय में एक एक कारवा बढ़ेगा शानदार तरीके से। इधर सलंबर में जीत के बाद भाजपा प्रत्याशी शांता मीणा ने कहा कि वह जनता के कार्य करेगी और सलंबर जिला बना रहेगा, जनता के जो मुद्दे हैं वे प्राथमिकता से सरकार तक ले जाएगी और उनका समाधान करवाने के लिए वे हर संभव प्रयास करेगी। भारतीय जनता पार्टी के, हमारे कार्यकर्ता के और हमारा कमल का फूल है, हमारा सभी सलंबर जनता की बहुत बहुत धन्यवाद। जीत का श्रेय किसे दे रहे हैं आप? जीत का श्रेय तो जनता पे, जनता को ही दे रही हूँ।
जनता का जो हमारा मुद्दे है वो सारा पूरा करूंगी। अमृतलाल जी की बात, ये कहीं कहीं पहला चुनाव है आप लोगों के लिए भी, कितनी थोड़ी चुनौतियां रही है आपके सामने, चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, जनता ने समर्थन दिया तो कैसे देखते हैं उसको? मैं तो साफ देखते थे वैसे ही देखूंगी, और मेरे साथ पूरी जनता है, मेरे कार्यकर्ता है, मेरे पूरे वोटर है, मेरे साथ पूरी ताकत है मेरे साथ, और आप सारे मीडिया वाले मेरे साथ। आशंका है लगातार कह रही थी कि सलूंगर जिला नहीं रहेगा अगर नहीं जीते तो, क्या सलूंगर जिले के लिए कह रहे हैं? मुख्यमंत्री हमारे हमारे सरकार है, हमारे जिला कैसे जाने देंगे हम, हमारे पूरी सरकार हमारी है तो जिला तो बना रहेगा। इधर सलूंबर में जैसे ही परिणाम की घोषणा हुई तो बीएपी के प्रत्याशी जितेश कटारा फूट फूट कर रोने लग गए। वे जब बाहर की तरफ जा रहे थे तब रो रहे थे। कुछ देर काउंटिंग हॉल में भी वे बैठे रहे। बीएपी के नेताओं ने प्रशासन पर कई सवाल उठाए। दरियावद विधायक थावरचंद ने कहा कि आज सरासर भाजपा का पट्टा पहनकर काम किया। जितेश ने रिकाउंटिंग की गुहार लगाई लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। साथ ही हाईकोर्ट जाने की भी बात उन्होंने कही है। इधर उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने कहा कि मोगेम्बो खुश हुआ, शांता देवी जीती हैं, जो हारा है वह कोई और नहीं राष्ट्र विरोधी ताकतें हारी हैं। सलूंबर विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, सभी मतदाता बंधुओं, माता बहनों और युवा साथियों को बहुत बहुत प्रणाम, आपका बहुत बहुत साधुवाद। आपने भारत के विचार को ताकत दी है, भारत के विकास को ताकत दी है, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास को ताकत दी है। आपने शांता देवी को जिताया है, आपने कमल के फूल को जिताया है। हम सभी विश्वास दिलाते हैं कि सलूंबर के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। आप सभी का आभार, आप सभी का लाड़ प्यार इसी प्रकार से बना रहे। मैं एक बार फिर फिल्मी अंदाज में कुछ कहूंगा, मोगेम्बो खुश हुआ यह जानकर कि सलूंबर में शांता देवी 1285 मतों से जीती है, और जो हारा है वो कोई और नहीं राष्ट्र विरोधी ताकतें का एक पूरा पारितंत्र पराजित हुआ है। आप सभी को प्रणाम, राम राम, जय हिंद। राजस्थान विधानसभा के उपचुनावों के